नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ई श्रम कार्ड का, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपया जो कि दिया जा रहा है। जो भी ई श्रम कार्ड जो कि बना लिए हैं, अगर आपके अकाउंट में जो कि 1000 रुपया नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा ताकि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आ सके, इसके बारे में फुली डिटेल मैं आपको बताऊँगा, जिससे क्या होगा बड़ी आसानी से आपके अकाउंट में पैसा आ सके। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा वो करेंगे तो आ जाएगा। तो कैसे क्या करना सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताऊँगा, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊँगा जो कि सभी लोगों को यह पैसा नहीं मिल रहा है तो किन किन लोगों को जो कि मिल रहा है, आप इसके लायक जो कि है या नहीं है, और कौन कौन जगह पर जो कि यह पैसा दिया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको फुली डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बहुत ऐसे सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो कि मेरा ई श्रम का 1000 रुपया नहीं आया है। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है फिर भी आपका पैसा नहीं आया है तो इसके लिए इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए। छोटा सा आपको काम करना होगा, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो छोटा सा काम करेंगे तो आपका पैसा जो कि 100% आ जाएगा। तो कैसे क्या करना जो कि सारा कुछ मैं आपको डिटेल अच्छे से जानकारी दूंगा, इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कर लेंगे शुरू, बट उससे पहले मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, ऑल पे आप प्रेस कर देंगे ताकि जैसे मैं और न्यू अपडेट ले कराऊंगा तो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चले आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जाता हूँ, ई श्रम कार्ड का जो भी पैसा दिया जाता है 1000 रुपया, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि यह पैसा जो कि देख रहे ट्रांसफर वाइज DBT यहाँ पर को दिख रहा है, तो यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से जो कि दिया जाता है, यानी कि DBT के माध्यम से जो कि आपके आधार कार्ड पर पैसा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी आपने अकाउंट दिया था श्रम कार्ड बनते समय, ठीक है, इनकेस वह अकाउंट आपको आधार कार्ड से लिंक नहीं है, कहने का मतलब NPCI जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, तो सभी अकाउंट आधार से लिंक रहता है, लेकिन NPCI से जो अकाउंट आपका लिंक रहेगा उस अकाउंट में जो कि पैसा जाएगा, ठीक है। तो जो अकाउंट आपने दिया था उसमें पैसा नहीं गया तो आपके पास जो भी अकाउंट है सभी जो कि अकाउंट में आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि दूसरे अकाउंट में भी आ गया होगा, भी बैंक आपका NPCI से लिंक होगा उस बैंक में जो कि पैसा चल गया होगा, ठीक है। अगर आपका NPCI से लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। और इसके लिए क्या काम करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपके नज़दीकी में बैंक होंगे, शाखा होंगे, वहाँ जाएंगे, ठीक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहाँ से उनको बताएंगे कि जो भी मेरा अकाउंट है उनको NPCI से लिंक आप कर दीजिए। वहाँ पर जाएंगे, जैसे जाएंगे तो आपको थंब लगाया जाएगा, ठीक है, आपको आधार कार्ड लेकर जाएंगे, बैंक अकाउंट का पासबुक का जो कि एक जीरोक्स लेकर जाएंगे, वहाँ से आपको थंब लगाकर NPCI से जो कि लिंक किया जाएगा, जिससे क्या होगा आपको पैसा आ सके, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे बैंक में जा रहे हैं वहाँ के जो भी कर्मचारी होते हैं आपका काम नहीं करते हैं, जो कि बैंक वाले आपका काम नहीं करते, आपको बार बार दोहराते हैं, तो आपको छोटा सा एक काम क्या करना है, नज़दीकी में जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होंगे, वहाँ का जो भी BO होंगे, यानी पोस्ट ऑफिस जो भी नज़दीकी में पड़ता है वहाँ पर बैंक अकाउंट जो कि ओपन होता है पोस्ट ऑफिस में भी, तो आपसे 100 या 200 रुपया लिए जाएंगे, वो भी पैसा 100-200 देंगे तो आपको बैंक अकाउंट में वो पैसा दिया जाएगा और उसमें आप अकाउंट ओपन करवा लेंगे। उसमें अकाउंट जैसे आप ओपन करवाते हैं तो वहां से आपको जो हुआ डायरेक्ट NPCI से लिंक कर दिया जाता है और उसमें पैसा आसानी से आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह पैसा सिर्फ UP वाले को ही मिल रहा है, ठीक है। अगर आप UP स्टेट से जैसे बिलोंग कर रहे हैं तो इतना सारा कुछ काम करेंगे, अगर आप बिहार से हैं या झारखंड से है, किसी अदर स्टेट से, दिल्ली से भी है, अगर मुंबई से भी है, तो आपको अभी नहीं दिया जा रहा है। भले आप बना सकते, ऑल ओवर इंडिया में बना सकते, इसका जो भी पैसा जो भी नियम होगा, गवर्नमेंट का नियम होगा, तो उनको भी अदर स्टेट में भी दिया जाएगा। फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ UP वालों को ही पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ चुनाव है, चुनाव के लिए वहाँ पर सभी लोगों को जो कि 1000 रुपया जो कि पालन पोषण के लिए जो कि दिया जा रहा है, जैसे कि SMS में भी दिया जा रहा है पालन पोषण, तो सारे लोगों को 1000 रुपया जो कि दिया जा रहा है। अगर आप UP से बिलोंग कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो सारा इतना कुछ करना है। अगर आप UP से नहीं बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल अदर स्टेट से जैसे कि आप बिलोंग कर रहे हैं तो पहले से ही आप अपना अकाउंट NPCI से लिंक करवा सकते, इतना सारा कुछ कर सकते। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप पैसे की चिंता छोड़ दें, आपका पैसा नहीं आने वाला है अभी, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ UP वाले को दिया जा रहा है। आप UP से जैसे कि बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यह पैसा दिया जा रहा है, और UP वाले में भी टर्म कंडीशन लगा हुआ है, जैसे कि UP वाले ने भी 31 दिसंबर से पहले ही अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिए होंगे तो उनको जो कि 1000 रुपया दिया जा रहा है, और जनवरी में जैसे कि बनवा रहे हैं तो उनको अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है क्या बाद में दिया जाए, लेकिन उनको यह पैसा भी नहीं मिल रहा। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर से जो भी पहले बनाए होंगे, ठीक है, उनको 1000 रुपया UP वाले को जो कि दिया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर लूँगा यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज
इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप हमें दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरा फर्स्ट और वीडियो में इस तरह लास्ट तक आपको बने रहने के लिए। तहे दिल से थैंक।